खबर उत्तर प्रदेश के सावसी जनपद से है, जहां पर विद्युत कर्मियों के हड़ताल के बाद कई घंटों से आपूर्ति बाधित है। सावसी जनपद के इकोना कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां पर सुबह 11 बजे के बाद आपूर्ति बाधित हो गई है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। आप सभी का सबसे तेज खबर सावसी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सावसी जनपद से है, जहां पर इकोना उपकेंद्र पर अन्य विभागों के कर्मी तैनात हैं और वो व्यवस्था संभाले हुए हैं। साथ ही सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों को दी गई है, भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे उपकेंद्रों पर कोई नुकसान न होने पाए। सावसी जनपद के इकोना उपकेंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार बत्ती कब आएगी, लेकिन इसके बारे में कोई समुचित जानकारी नहीं दे पा रहा। ऐसे में यहाँ पर उपकेंद्रों पर पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, साथ ही अंदर अन्य विभागों की तैनाती की गई है। जो कर्मी बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें तकनीकी जानकारी न होने के कारण इकोना वासियों को बत्ती नहीं मिल पा रही। बिजली विभाग के कर्मचारी 72 घंटे के हड़ताल पर गए हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं श्रावस्ती में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। अगर श्रावस्ती की बात करें तो बीती रात 10 बजे से विद्युत कर्मी यहाँ पर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते पूरे श्रावस्ती में 80% गाँव में अंधियाला पसर चुका है। कहीं कहीं शहरों में लाइट आपूर्ति दिन में चालू थी, लेकिन अब वहां पर भी लाइट कट गई है या कोई खराबी आ गई है, जिसके बाद अब लाइट वहां पर कब मिल पाएगी इसके बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। जो विद्युत विभाग के कर्मचारी थे वो कल रात से ही अनिश्चित का 72 घंटे के धरने पर चले गए हैं। उन्होंने विद्युत काम को छोड़ दिया है और यहाँ पर कुछ लोगों की ज्वाइनिंग कर दी गई है। कुछ लोगों को काम दिया गया है कि वो बैठकर यहाँ पर काम संभालेंगे, लेकिन उनको इस विभाग की कोई जानकारी न होने की वजह से वो भी यहाँ पर कुछ कर पाने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि भाई साहब, मुझे इस प्रकरण के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि कब लाइट आएगी और कब लाइट जाएगी। ऐसे में श्रावस्ती वासी काफ़ी परेशान हैं। अगर हम बात करें तो हम इस समय इकोना उपकेंद्र पर खड़े हैं। ये इकोना उपकेंद्र है जहाँ पर हम तस्वीरों में आपको साफ दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर दर्जनों की तादाद में विद्युत कर्मचारी कभी तैनात रहते थे, आज की डेट में यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और विद्युत कर्मचारी हड़ताल के चलते यहाँ से नदारद हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कैमरामैन से कहेंगे, इधर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी लगाई गई है, ये सुरक्षा व्यवस्था संभाले हैं कि यहाँ पर कोई उपद्रव न होने पाए, कोई तोड़फोड़ न होने पाए। जो विद्युत विभाग से नाराज हैं वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे पीछे भी आपको दिखाई देवे पड़ रहे होंगे, ये लोग पहुँचे हैं और पूछ रहे हैं कि बत्ती कब आएगी, पर इनके सवाल का जवाब देने के लिए कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पर नहीं है। जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है वो विभिन्न विभागों से बुलाए गए हैं, वो यहाँ पर बैठे जरूर हैं, लेकिन उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसके चलते वो भी पस्त हैं और इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। अगर बत्ती की बात की जाए तो श्रावस्ती में कई जगहों पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल के साथ साथ PSC व CSC केंद्र भी स्थापित हैं, जहां पर बिजली की 24 घंटे नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि कई दवाएं ऐसी हैं जो विद्युत के अभाव में खराब भी हो सकती हैं। लेकिन बत्ती न होने के चलते विद्युत कर्मी की लापरवाही या हड़ताल के चलते जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व अधिकारी परेशान हैं, तो वहीं आम जनमानस भी काफ़ी परेशान है। श्रावस्ती के इकोना उपकेंद्र की ये तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ इकोना के साथ साथ कटरा, सीताद्वार, लालबोझी, कई अन्य उपकेंद्र हैं जहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर भी कोई सही तरीके से कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिरकार लाइट कब आएगी। अगर इसी तरह हालात बने रहेंगे तो 72 घंटे में लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे और लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ आम जनजीवन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। श्रावस्ती के साथ साथ अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर इस समय पर्यटन केंद्र के लिए हवाई पट्टी बनाई जा रही है, वहाँ पर भी बिजली की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई सारे काम ऐसे हैं जो बिना बिजली के संभव नहीं है। अगर मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो मोबाइल नेटवर्क भी आज बिना बत्ती के नहीं चल पा रहा है। जितने टावर हैं वो या तो डीजल से चलाए जा रहे हैं या किसी प्रकार से उन्होंने अपनी वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन कब तक ये वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, या आने वाले 72 घंटे तक ये लोग डीजल के सहारे अपने टावरों को चला पाएंगे और लोगों को मोबाइल का सिग्नल दे पाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है और कहा है कि जो हड़ताल पर गए हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस आदेश का भी विद्युत कर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा हुआ है और वो यहाँ से अपने केंद्र से नदारद हैं।
वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी तब तक हमारा जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम है 72 घंटे का हड़ताल वो लगातार जारी रहेगा। इस 72 घंटे में आम जनमानस कितना परेशान होगा, कितना हताश हो जाएगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मिथिलेश पाठक।